हम बात कर रहे हैं बजाज हेल्थ केयर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक ने हमको 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले लगातार तेज़ी आई 430 से तक का जंप, और उसके बाद देख सकते हैं लगातार गिरावट देखने के लिए मिली। एक जंप आया था स्टॉक में, लेकिन अगेन रिजेक्शन लिया और गिरावट, बड़ी गिरावट 390 के लेवल से स्टॉक ने बड़ी गिरावट दिखाई, लगातार सेलिंग। लेकिन इस गिरावट के साथ थोड़ा सा इस चार्ट पैटर्न पर नज़र डालो और समझने की कोशिश करो कि इससे पहले जहाँ सपोर्ट लिया था स्टॉक ने 330 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं किया, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास से स्टॉक में बाइंग आ रही है, तेज़ी आ रही है। तो इस बाइंग के साथ इसका जो रिसेंट हाई है, इस लेवल के ब्रेकआउट के चांस बन रहे, स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा सकता है, क्योंकि अपने सेम सपोर्ट से ऑलमोस्ट बाउंस बैक कर रहा है, रीटेस्ट करके अपने सपोर्ट को बाउंस बैक करता नज़र आ रहा है। तो यहाँ से और अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है, और बाइंग भी देखिए किस तरह से आ रही है, बाइंग बड़ी आई है, उसके अकॉर्डिंग सेलिंग कम देखने के लिए मिल रही है। इससे पहले क्या हो रहा था, जंप आ रहा था और उसके अकॉर्डिंग में फिर बड़ी सेलिंग भी आ रही थी, लेकिन जब बाउंस बैक किया तो बड़ी सेलिंग नहीं आ रही है। अब अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो नीचे की ओर देख सकते हैं 360 इमीडिएट सपोर्ट है, जहाँ इससे पहले सपोर्ट लिया था, ब्रेकडाउन कर जाता है तो 340 और ये जो लो है 330 का लेवल एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन चांस बन रहे अप ट्रेंड के। तो यहाँ से अब जंप आता है तो जहाँ से लास्ट ट्रेडिंग डे में स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया है, इमीडिएट टारगेट रहेगा 372 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 380, और 380 के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है। एक दो दिन अगर सस्टेन हो गया 380 के लेवल को ब्रेकआउट करके, तो वैसे सिचुएशन में 390 नेक्स्ट टारगेट और इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए 400 तक का जंप दिखा सकता है, फिर 400 इसका मेजर रेजिस्टेंस बनेगा, 390 से 400 के बीच में हम फ्रेश बाइंग अवॉइड करके चलेंगे, फिर 400 के ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। अगर 400 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है तो 420 और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर 430 से लेके 440 तक का भी जंप स्टॉक दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।